भारत के रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक ऐसी डील की है जिससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। एक ऐसी डील जिससे भारत के रक्षा क्षेत्र को काफी मजबूती मिलेगी। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने देश के रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुरुवार को ब्रह्मोस एरोस्पेस यानी BPL के साथ एक महत्वपूर्ण डील की है। ये डील सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स की खरीद के लिए की गई है। इन मिसाइल्स को बाय इंडियन कैटेगरी के तहत लगभग 1700 करोड़ की लागत से खरीदा जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इन दोहरी भूमिका निभाने वाली मिसाइल्स के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से बेड़े की मारक क्षमता और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ने जा रही है। आपको बता दें, ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का जॉइंट डिफेंस वेंचर है जो हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में सक्षम है। इसके तहत नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें बनाई जाती हैं और इन्हें समय समय पर आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाता है। ये मिसाइलें सतह से सतह पर मार करने के अलावा एंटी टैंक अटैक को भी रोक सकती हैं। दरअसल इस डील से मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती मिलेगी और भारत रक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों से करने वाले आयात पर कम निर्भर रहेगा। भारत के इस रक्षा सौदे से उसकी हथियार प्रणाली और गोला बारूद के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें, ब्रह्मोस को दुनिया का सबसे तेज, बेस्ट और सबसे सटीक घातक हथियार माना जाता है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है जो स्टेल्थ तकनीक से लैस होती है और सटीक निशाना साधने के लिए इनमें एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं। भारत 5 से 6 साल में पहली हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में सफल हो जाएगा। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। यह Mach 8 यानी 9800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।